तो गाइस देख सकते हैं काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है और हमें भी लाइन में लगना पड़ेगा, जो कि देख सकते हैं सभी दोस्त लाइन में लगे हैं। गाइस फाइनली हम वेलकम नवरात्र फेस्टिवल कटरा टेंट एंड सेंटर्स दिल्ली पहुंच चुके हैं। देख सकते हैं ये बोर्ड लगा हुआ है, अब हम अंदर जाएंगे। ये दिख रहा है माता जी का श्राइन बोर्ड चेक पोस्ट, यहाँ से यात्रा स्टार्ट होती है। गाइस देख सकते हैं लाइन लगी है काफ़ी। तो गाइस देख सकते हैं इस वक्त ये श्राइन बोर्ड में इस काफ़ी सजावट है। गाइस देख सकते हैं देख सकते हैं ये है चेक पोस्ट श्राइन बोर्ड, जहाँ से हमारी यात्रा आरंभ होती है। गाइस तो यहीं से हम जाएंगे दर्शन करने के लिए। गाइस देख सकते हैं ये पहाड़ पर चढ़ के हमें भवन जाना है। गाइस देख सकते हैं तो अब हम पहुंच चुके हैं दरबार। तो गाइस देख सकते हैं चेक पोस्ट श्राइन बोर्ड है ये, काफी भारी मात्रा में लाइन लगी हुई है। तो गाइस देख सकते हैं फाइनली हम पहुंच चुके हैं श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड चेक पोस्ट, अब यहां से हम क्रॉस करेंगे। जो कि ये पर्वत दिख रहा है यहाँ पे हमें चढ़ना है, यात्रा करनी है। ये देखिए गाइस फाइनली इस वक्त जो है हम चेक पोस्ट श्राइन बोर्ड से बाहर निकल चुके हैं चेक करवा के। गाइस अब हम जाएंगे दर्शन के लिए, अब हम चल रहे हैं। गाइस हमारे साथ बने हैं, जय। गाइस देख सकते हैं अब हम लोग जो है आगे और बढ़ रहे हैं, अब हमारी यात्रा स्टार्ट हो चुकी है। अब हम यहाँ से यात्रा स्टार्ट करके चल आगे बढ़ते जा रहे हैं। गाइस तो देख सकते हैं हमारे साथ वीडियो के माध्यम से हम यात्रा में आगे बढ़ते जा रहे हैं, आइए चलते हैं। गाइस हम यहाँ पे फ़ोटो वगैरह खिंचा सकते हैं सभी लोग, तो जगह जगह पर फ़ोटो खिंचाने के लिए बना रहता है, वहाँ पे फ़ोटो खिंचाइए। गाइस हम लोग चल रहे हैं यात्रा में, हम जो है देख सकते हैं हमारे पीछे का जय माता दी, जय माता दी। तो गाइस फाइनली अब हम खाना खा के, यानी कि गुलशन कुमार के लंगर में प्रसाद खा के अब बाणगंगा के लिए चल दिए हैं। अब हम बाणगंगा पहुंचेंगे, जहाँ पे बाथिंग घाट है, जहाँ पे स्नान वगैरह किया जाता है। आइए चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं गाइस सभी श्रद्धालु गढ़ जा रहे हैं, आइए चलते हैं। कहाँ आ रहे हैं? पानी पानी लीक हो रहा होते हैं, हाथ मुँह कोई नहीं हो रहा। तो गाइस देख सकते हैं सभी लोग नहा रहे हैं और फोटो वगैरह खिंचा रहे हैं। ये बाणगंगा है, बाणगंगा में सभी लोग नहा रहे हैं, इस वक्त पानी कम है फिर भी।
गंगा प्राचीन मंदिर है, यहाँ पे माता जी की तस्वीर है, देख सकते हैं मूर्ति गाइस। ये बाल गंगा प्राचीन मंदिर बाल गंगा माता की प्रतिमा है, यहाँ पे फोटो शोटो खिंचा सकते हैं और वापसी में फोटो ले सकते हैं फोटो खिंचाने के बाद में। तो ये जगह जगह पर फोटो खिंचाने के लिए मिलेंगे, तो फोटो खिंचवा सकते हैं, इसके बाद में वापसी में वापसी होते समय इनसे फोटो ले लें। तो गाइस देख सकते हैं बहुत फोटो स्टूडियो मिलेंगे। गाइस हमने डंडा ले लिया है, डंडे के सहारे चढ़ेंगे, 20 रुपये का, अगर हम दुकानदार को वापस कर देंगे तो 10 रुपये पड़ेंगे। तो गाइस हमने डंडा ले लिया है, डंडे के सहारे हम चढ़ेंगे, इस बार चलते हैं, आइए। काफ़ी आराम रहता है डंडे के सहारे चढ़ने से, तो डंडा एक सहारे के लिए होता है, तो हमने ले लिया है, चलिए चलते हैं। हम जा रहे हैं दर्शन के लिए। फाइनली गाइस इस वक्त हम बाल गंगा बर्थिंग घाट पहुंच चुके हैं गाइस, जो है तो देख सकते हैं, मैं बर्थिंग घाट जाऊंगा, यहां देखेंगे जाके। तो आइए मैं दिखाता हूं, ये बाल गंगा चेक पोस्ट बर्थिंग घाट है, जो कि चेक पोस्ट से थोड़ी दूर पर है। तो मैं बाल गंगा चेक पोस्ट पहुँच चुका हूँ, आइए चलते हैं आगे दिखाने। सभी लोग यहाँ पर स्नान करते हैं, इसके बाद में आगे की यात्रा करते हैं। तो गाइस ये है बाल गंगा, जो कि पानी बहुत कम है इस वक्त, और अभी पानी कम आ रहा है गाइस, तो देख सकते हैं हम यहाँ पर अभी नहीं नहाएंगे और हम ऊपर जाकर ही नहाएंगे गाइस, देख सकते हैं बाल गंगा चेक पोस्ट पे। तो गाइस देख सकते हैं सभी लोग नहा रहे हैं, देख सकते हैं गाइस। गाइस देख सकते हैं ये बर्थिंग घाट है। गाइस फाइनली हम जो है बाल गंगा से हम निकल चुके हैं, अब आगे की यात्रा करेंगे। तो गाइस देख सकते हैं बाल गंगा से हम बाहर निकल रहे हैं, बाल गंगा तो कर देना। तो गाइस बाल गंगा से हम बाहर निकल चुके हैं, अब हम जा रहे हैं आगे की यात्रा करने। तो गाइस गीता भवन पहुंचे, इच्छा पूर्ण माँ भगवती दर्शन। तो गाइस देख सकते हैं काफी सुंदर मंदिर है, गीता भवन बाल गंगा मोड़ दरुण मंदिर है ये, गीता भवन बाल गंगा कटरा गाइस मंदिर का नाम है, देखो तो बहुत ही सुंदर मंदिर है ये, बाल गंगा से थोड़ी दूर पे है।